नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी राजस्थान में विधानसभा सत्र चालू है। 15वीं विधानसभा यहाँ पे का सत्र चल रहा है। लगभग ये सत्र अभी मार्च तक चलेगा, क्योंकि 20 को बजट आने वाला है। इसमें विभिन्न MLA जो विधायक हैं या मंत्री हैं, संविदा कर्मचारियों के लिए बढ़ चढ़ के यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं असेंबली में। जैसे कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने भी यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के को लेकर सरकार को निशाने पे लिया है कि हमने भी कमेटी का निर्माण किया था, कि आप ही कमेटी का निर्माण ही करोगे या इनको नियमित करोगे, या इनको साफ साफ बता दो कि आप इनसे क्या चाहते हैं, ताकि ये बच्चे कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सके। दोस्तों, मैं बता दूं, इसके अलावा जो फतेहपुर से विधायक है, फतेहपुर सीकर से हाकम अली खान जी ने संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार को घेरा है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट यहां पे मैं बता दूं, ये हाकम अली खान जो फतेहपुर से विधायक है, आप देख सकते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद इन्होंने किया है। बड़ी अपडेट दोस्तों, हाकम अली जी जो विधायक है फतेहपुर से, इन्होंने संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आइए दोस्तों, क्या सवाल यहाँ पे उन्होंने किया है संविदा कर्मचारियों को लेकर, देखते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हाकम अली जी खान ने यहाँ पे प्रश्न पूछा है संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड। क्या है प्रश्न, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से इनका प्रश्न चालू होता है कि सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है, जिसके तहत कुल 1,71,713 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं ग्रामीण ग्राम साथी लाभान्वित होगी। महोदय मेरा, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और ग्रामीण ग्राम साथीन कुल 1,71,773 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, इनका मानदेय बढ़ाया है। तो महोदय मेरा निवेदन है, ने कहा है कि महोदय मेरा सरकार को सुझाव है कि जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया, वैसे ही मदरसा पैरा टीचर्स संविदा कर्मचारियों का भी मानदेय बढ़ाया जाता तो और भी अच्छा है। आने वाले बजट में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनका भी ध्यान रखते हुए उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, बड़ी खबर। इसके अलावा इन्होंने पंचायत सहायकों के बारे में भी यहाँ पे कहा है कि पिछले सरकार में आपाधापी और जल्दबाजी में ग्राम पंचायत हेडक्वार्टरों पर जो पंचायत सहायक लगाए थे, उनका भी मानदेय मात्र 6,000 रुपए और पैरा टीचर का मानदेय भी 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में आज के इस जमाने में एक परिवार नहीं चल सकता। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, सुझाव है कि उन पर भी ध्यान दिया जाए और उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, उनके बारे में भी सोच जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हाकम अली खान जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे सरकार को सुझाव दिया है कि जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साथीन सहयोगियों का मानदेय बढ़ाया गया है, वैसे ही मदरसा पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक पैरा टीचर्स और अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं, इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि इनका भी लालन पालन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, बड़ी खबर। मैं राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाकम अली खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो फतेहपुर से विधायक हैं, कि इन्होंने संविदा कर्मचारियों का मुद्दा उठाया और उनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार से निवेदन किया, सरकार को सुझाव दिया बजट सत्र में। दोस्तों, बड़ी खबर, सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। मैं अन्य समस्त मंत्री और विधायकों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी सदन में संविदा कर्मचारियों की बात उठाए, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, इसके अलावा नियमितीकरण को लेकर, ताकि जल्द से जल्द इनका मार्ग प्रशस्त हो सके और इनको नियमितीकरण के साथ मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा मिल सके आने वाले बजट में। जो दोस्तों 20 फरवरी को जो बजट आ रहा है, मैं सरकार से आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इसमें सरकार संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी के साथ नियमितीकरण की प्रक्रिया, इसके अलावा लंबित जो प्रक्रिया, इनके लिए भी प्रस्ताव सरकार यहाँ पे ला रही है। तो दोस्तों, मेरी अन्य जो मंत्री और विधायक हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संविदा कर्मचारी को मुद्दा उठाए, जैसे कि हाकम अली खान जी ने यहाँ पे उठाया है और सरकार से निवेदन किया, सुझाव दिए हैं कि संविदा कर्मचारियों, मदरसा पैराटीचर्स, इसके अलावा ग्राम पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।